हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये आई मेकअप लुक। तो बहुत इजी तरीके से किया है, सो चलते हैं आई मेकअप लुक की तरफ। यहाँ मैंने सीरम अप्लाई किया अपने फुल फेस पर, देन लिप बाम मैं लगा रही हूँ अपने लिप्स पर ताकि मॉइस्चराइज हो जाए, बट मुझे आई मेकअप करना है, सो चलते हैं आई मेकअप की तरफ। और यहाँ मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो डिफाइनर, जिससे कि मैं अपनी आईब्रोज़ को एक शेप दूँगी। एंड देख सकते हैं आप कितनी लाइट है, तो इसे अच्छे से एक शेप देते हुए थोड़ा सा डार्क करूँगी, सो देख सकते हैं आप। अब मैं ले रही हूँ NYB का कंसीलर, जिससे मैं अपनी आईज़ का बेस बनाऊँगी। एंड लिक्विड कंसीलर है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ये, मैं ब्रश की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी। अपनी आईब्रोज़ के ऊपर की तरफ भी इसे लगाऊँगी ताकि मेरी आईब्रो शार्प नज़र आए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखे, सो इसे भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो इसी तरीके से मैं दूसरी आईज़ का भी बेस इसी NYB के कंसीलर से ही, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। सो अगर आप बेस बनाते हैं तो आपकी आईब्रोज़ की जो शेड्स हैं वो बहुत ही अच्छे से शो होते हैं, तो इसलिए बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैंने आईज़ का बेस के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं इसे। और सेट करने के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का सेटिंग लूज पाउडर, सो इससे अच्छे से सेट कर लेंगे अपने बेस को। इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, सो इसमें 9 शेड है। इसका ब्राउन शेड मैं ले रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ, और एक क्रीज बनाऊँगी अलग से, सो इस तरीके से ऊपर की तरफ एक क्रीज बनाऊँगी ब्राउन शेड से, और अच्छे से इसे मैं ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा डार्क करूँगी पहले, फिर मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अच्छे से इसे ब्लेंड करना होगा, तो ब्लेंड करूँगी मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्लेंड हो गई है। एंड सेम मैंने अपनी दूसरी आईज पर भी कर लिया, मिस रोज़ की पैलेट ली है और ये छोटी सी मैंने ब्रश ली है स्पंज ब्रश, इससे मैं अपने इनर कॉर्नर की तरफ येलो शेड पहले दूंगी जो कि मेरे इनर कॉर्नर पर आएगा। सो दोनों आईज़ का मैं साथ के साथ मेकअप कंप्लीट करती जाऊँगी। सो यहाँ पर मैं येलो कलर को थोड़ा सा डार्क करूँगी, तो अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है ये पैलेट, बट थोड़ा मैं इसे डार्क करूँगी अच्छे से। सो मुझे सेंटर में रेड शेड चाहिए, तो इसी पैलेट से जो ब्लशर है उसका एक रेड शेड है, तो बहुत ही फाइन है और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है, सो उसे ही मैं आई शेडो पर अप्लाई करूँगी सेंटर में, बिकॉज मेरी साड़ी में जो ये 3 शेड हैं इसीलिए मैंने ये आई शेडो आई लुक क्रिएट किया है। एंड आउटर कॉर्नर पर मैं वी करते हुए ग्रीन शेड का यूज़ करूँगी इस तरीके से, सो थोड़ा सा डार्क करूँगी इसे मैं, एंड अच्छे से तीनों को आपस में ये मर्ज होने चाहिए, कोई भी हार्श लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एकदम अलग से ना नज़र आए। सो इनर कॉर्नर पे येलो और आउटर कॉर्नर पे मैंने ग्रीन किया है। अपने नीचे लोअर लैश पर मैं ग्रीन शेड अप्लाई करूँगी सेम ब्रश की हेल्प से, एंड इन लोअर लैश पर इनर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा येलो का टच दूँगी। तो यहाँ मैं अपने ब्रॉ बोन पर वाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है NYB का लिक्विड लाइनर और इसे विंग्स क्रिएट करते हुए लाइनर लगाऊंगी, एंड बहुत ही ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करूँगी, बहुत ही अच्छा सा एक विंग लाइनर लगाऊंगी मैं। तो आप देख सकते हैं, एंड मैं लगा रही हूँ अब मस्कारा जो कि फेसिस कनाडा का है, सो अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अपनी वाटर लाइन पे लगाऊँगी ब्लैक कलर का लाइनर, तो बहुत ही डार्क शेड
जब तक ना हो तो थोड़ा डार्क मुझे लगाना है। सो इसके बाद मैं रेड चेरी की आईलैशेस पॉप करूँगी एंड बहुत ही अच्छी लैशेस हैं। सो ये रेड चेरी की लैशेस मैंने पॉपअप कर ली हैं एंड यह मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।